दूसरी बार आप घर के अंदर गई थी, कैसी कैसा रहा अभी आपका ये वाला जो? बहुत खूबसूरत रहा, ज़्यादा वक्त मिला, काफ़ी लोगों को जानने का मौका मिला और लोगों के दिल तक, मतलब ऑडियंस के दिल तक पहुंचने का और वापस से मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वापस से ये मौका मिला। आउट ऑफ 16 कंटेस्टेंट आई वाज ओनली लकी वन जिनको ये मौका मिला। खुश हूँ, मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल। पर क्या आपको लगता है आपको जो दूसरा मौका मिला उसका पूरा फायदा आपने उठाया? नहीं, पूरा तो नहीं उठा पाई, और उठा सकती थी और उठा पाती थी, क्योंकि मैं कभी भी अपने कोई भी काम से कम्प्लीटली सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ। मुझे हमेशा लगता है मैं और बेटर कर सकती थी और बेटर कर सकती थी, और इस बार इसलिए भी और लग रहा है कि मतलब मंजिल का वो जो लाइन है, जो फिनिशिंग लाइन है, वो थोड़ा सा दूर दिख ही रहा था शायद, और 3-4 हफ्ते में पहुँच सकती थी और नहीं पहुंच पाई, तो इस बात का थोड़ा दुख है, इस बात का गम है कि थोड़ा सा शायद और एनर्जी और बेटर कर लेती और थोड़ा इनपुट डाल दी तो शायद ऑडियंस को और एंटरटेन कर पाती और मैं फिनिशिंग लाइन को छू पाती। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने एक बात कही थी घर में कि अब आपको मंडली तोड़नी है, लेकिन सबको लगा कि अभी शायद आप कुछ करोगे, बट पर मैंने मतलब मैं वैसे ना ईविल या बिची टाइप की नहीं हूँ, तो तोड़ने का भी मतलब ये था कि बिकॉज निमृत इज़ नॉट प्लेइंग सोलो और उसको हर हफ्ते बोला जा रहा था, मैंने भी योगा के टाइम पे उसको बोला, तो और शिव के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती का बॉन्ड हुआ था, तो मेरा यही था कि मुझे शिव और निमृत को समझाना है या अपने तरफ करना है और ये समझाना है कि तुम लोग अकेले खेल सकते हो, शिव बल्कि जो खेलता भी है, और निमृत को भी ये समझाना था कि तुम अकेले खेल सकते हो। शायद डिफरेंट तरीक़ों से मैंने समझाने की कोशिश की, पर बात ये है कि आपके ऊपर भी होता है कि आप जब कोई सजेशन मिल रहा है आपको कि आप कितना एक्सेप्टिंग है उस सजेशन के प्रति। तो मेरा ऐसा नहीं था कि कुछ बिचिंग करके आग लगा लूँ उनके बीच में, वो मेरा कैरेक्टर है ही नहीं। तोड़ने का मतलब यही था कि उनको समझा के समझाया जाए कि अकेले खेलो, एवरीबडी इज़ प्लेइंग अलोन, प्लीज़ अकेले आए हो शो में, साथ में कास्टिंग नहीं हुई है, अकेले आए हो, अकेले निकल जाओगे या तो अकेले फिनाले तक जाओगे तो अकेले खेलो। बट मैंने निमृत को कई दफा समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझी। अच्छा, टीना को लेके आपने स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा था कि जो लोगों के घर जिन्होंने जिसने तोड़े हैं उसके खुद का घर नहीं बस पाया, वो एग्जैक्टली क्या? तो एक्चुअली टीना और शालिन किचन में थी और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, और कहीं ना कहीं सलमान सर के ये वीकेंड के वार पे जब उन्होंने बोला, उससे पहले ही सबको पता था, सबको लग भी रहा था कि इट इज़ फॉर द कैमराज, इट इज़ फॉर टीनाज बेनिफिट, और शालिन की तरफ से वो काफ़ी जेन्युइन था, क्योंकि शालिन ने काफ़ी कुछ किया है टीना के लिए शो में, टीना ने भी किया है, तो वो फेकनेस या वो इंटॉक्सिक या वो कन्फ्यूज रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ थी। मैं ज़िंदगी में कर्मा में बिलीव करती हूँ कि आप जो करोगे आपके आपको फल उसके मिलेगा ही, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इट्स लाइफ इज़ ऑलवेज लाइक अ सर्कल। तो इस बात पे मैं मेरी सौंदर्य के साथ बात हो रही थी कि आप जो करोगे तो वही आपके साथ फल रूप में आएगा। अच्छा, काफ़ी लोग टीना और शालिन के रिश्ते को फेक बोल रहे हैं, आप घर के अंदर से आप दूसरी बार देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल फेक है, अभी तो रिश्ता है भी नहीं। लास्ट एक हफ्ता वो लोग दूरियाँ बढ़ा लेने की कोशिश की है एक दूसरे पे। शालिन की तरफ से मुझे उतना फेक नहीं लगता है, इनफैक्ट सलमान सर ने जब शालिन को समझाया लास्ट वीकेंड के वार पे, वो काफ़ी उससे डिस्टर्ब भी हुए शालिन, कई बार मुझसे पूछ रहे थे, कई बार सलाह लेने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं दोनों कन्फ्यूज हैं, इट्स सो टॉक्सिक कि मुझे ना उनके दोनों के पचड़े पे पड़ना ही नहीं था, और आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन देयर लव स्टोरी, एंड आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम ऑडियंस शुड ऑल्सो नॉट बी इंटरेस्टेड इन देयर लव स्टोरी, इट्स ओवर, आई फील इट वॉज ऑल फॉर द कैमराज एंड फेक। अब प्रियंका की अगर हम बात करें, प्रियंका यहाँ पर एक बात रखती है और स्टैंड अपने हिसाब से चेंज करती है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब अगर हम बात करें, जब एक बाहर थी, जब प्रियंका जब वो नॉमिनेशन का हो रहा था तो प्रियंका अलग बात कर रही थी और अंदर अलग जो कन्फेक्शन रूम होता है वहाँ पर अलग बात, आप कैसे देखते हैं प्रियंका को? क्या अलग बात की? मुझे उसके बारे में नहीं पता एक्चुअली।
मतलब गलत मतलब स्टैंड नहीं लेती, पीछे बोलेगी हाँ ये सही है, लेकिन सामने नहीं बोल पाती है प्रियंका। ये सलमान सर ने भी उन्हें उसे कई बार बोला है कि आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार चीज़ें स्टेटमेंट्स चेंज करती है, बट मुझे लगता है कि कभी कभी शायद वो कंफ्यूज हो जाती होगी बोल के, शायद वो ऑडियंस को या लोगों को लगता होगा, बट शी इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन और वो हमेशा हर जगह पे अपना स्टैंड लेना चाहती है। शायद उनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है ये चीज़ मैं सही हूँ, मैं ये वाला चीज़, बट फिर भी मुझे लगता है कि शी इज़ जेन्युइन एंड शी इज़ डूइंग जस्टिस। आपको लगता है शिव ठाकरे और प्रियंका में से कौन जीत पाएगा बिग बॉस फिनाले? ये कहना बहुत मुश्किल है, कुड बी एनीवन, वेरी क्लोज, बट यही दो नाम मैं as a finalist देखती हूँ। अच्छा, टीना की मम्मी जब घर पर आई थी तो उन्होंने आपको टीना समझ के घर लगा लिया था, आप काफी इमोशनल लग रही थी और यहाँ पे अर्चना चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि उनको ये लगा कि वो आप टीना है। वो बात मैं विश्वास कर ही नहीं सकती थी अर्चना जो कह रही थी, और सिर्फ मैं नहीं, वहाँ से साजिद जी भी अर्चना पे चिल्ला रहे थे, शायद वो एपिसोड में नहीं दिखा होगा, साजिद जी भी बोल रहे थे आर यू स्ट्यूपिड अर्चना, वो लोग एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, बकवास मत कर यार, रेशन चला जाएगा, प्लीज स्टैच्यू मतलब फ्रीज हो। पर अर्चना को दिख जाता है सारी चीज़ें। हाँ, मैं इमोशनल इसलिए हो गई थी क्योंकि काकीमा के साथ मेरा काफ़ी क्लोज बॉन्ड रहा है ऑल दीज ईयर्स, जबकि टीना के साथ कभी दोस्ती होती थी नहीं होती थी, पिछले 2-2.5 साल हमारी बातचीत भी नहीं थी, एकदम एब्सोल्युटली बातचीत कम, बट काकीमा और मेरी मम्मी की हमेशा दोस्ती रही है, आई रिस्पेक्ट काकीमा, आई लव काकीमा, मेरी मम्मी भी टीना से बहुत प्यार करती है, और काकीमा के अंदर ना मेरी मम्मी की भी एक छवि मुझे दिखती है क्योंकि दे आर क्लोज फ्रेंड्स, तो काकीमा ने जैसे ही आके मुझे हग किया तो आई कुड फील दैट ममता अंदर से एंड आई गॉट वेरी इमोशनल, आई गॉट टीयर्स इन माय आईज, पर फिर मेरा पोपट हो गया। कल के एपिसोड में शिव ठाकरे और अब्दू की बात हो रही थी जहाँ पर अब्दू ने फाइनली वो रीजन बताया कि वो साजिद से क्यों बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो भी साजिद ने उनके साथ किया वो अब्दू को पसंद नहीं आया। आपका क्या उसमें ठीक है कि साजिद और जो अब्दू के लिए करते हैं या बाकी घर वालों के लिए, आपको क्या लगता है वो कितना रियल है कितना फेक है? नहीं, वो रियल है या फेक है वो मुझे नहीं पता। एक्चुअली साजिद जी लव्स कॉमेडी, साजिद जी लव्स टू मेक फन ऑफ लाइक लव्स टू मेक फन, उनका इसमें हमेशा से कोई इंटेंशन नहीं होता है कि हाँ इसको बुरा लगाते हैं ऐसे कॉमेडी करके या ऐसे उसका मजाक बना के, उसका इंटेंशन नहीं होता है, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, बट आई फील इट दैट अब्दू फेल बैड क्योंकि उसको टट्टी का मतलब भी शायद नहीं पता था और उन लोगों ने उसके बैक में लिख लिया था। ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो नो कि साजिद जी ने अगर वो लिखा होगा या किया होगा क्योंकि साजिद जी जेन्युइनली केयर अबाउट अब्दू एंड केयर्स फॉर अब्दू, तो अगर लिखा होगा तो वो जस्ट फनी स्पेस मतलब एक कॉमिक स्पेस पे लिखा होगा, बट ये भी जायज़ है, अब्दू को बुरा लग ही सकता है क्योंकि क्यों आपने मेरे बैक में लिखा और फिर डांस किया। ओके, एक आखिरी सवाल, दोनों सही है, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अर्चना गौतम टॉप 3 में आ सकते क्योंकि टीआरपी के हिसाब से या शो के कंटेंट वाइज अगर आप देखें तो चाहे वो एमसी स्टैन की गालियां हो जब वो एपिसोड हो या साजिद गुस्सा हो जाते हो या नॉमिनेशन जो आप लोगों का हुआ था जहाँ पर सेव करने का, कहीं ना कहीं अर्चना गौतम बाजी मार लेती है, तो आपको लगता है कि टॉप 3 में आ सकती है, टॉप 5 में तो आ ही जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू।